क्योंकि एक सपना पूरा हुआ है जो मैंने बहुत पहले देखा था। ये जो बाइक अब ली है हमने, ये दिल के बहुत पास है। सब इतना आज मैं सेंटी भी हो रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ ना, बस रो ही नहीं रहा हूँ, बाकी सब खुशी के आंसू पूरे मतलब। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये काफी स्पेशल वाला व्लॉग है, जैसे कि आप सबने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, और एक अलग ही स्माइल है जो आज नहीं जा रही चेहरे से, क्योंकि एक सपना पूरा हुआ है जो मैंने बहुत पहले देखा था। थोड़ा सा नर्वस हूँ आज मैं भी इस व्लॉग को बनाते हुए, पर आई होप ऐसे व्लॉग्स और आते रहे और जितने आए उतने कम है ऐसे तो। पर ये जो बाइक अब ली है हमने, ये दिल के बहुत पास है, आई होप आप सबको भी पसंद आएगी। अभी मैं हूँ डिटेलिंग माफिया पे, यहाँ पे हमने अपनी नई बाइक की डिटेलिंग कराई है, क्योंकि मैं ऑफकोर्स उसको दिल्ली से लेके आया था, जिसका मैं व्लॉग बना चुका हूँ पर इसके बाद डालूंगा। तो वो व्लॉग बनाते हुए और दिल्ली से आते हुए बाइक बिल्कुल गंदी हो चुकी थी, तो यहाँ पे डिटेलिंग हुई है, बाइक बिल्कुल चमचमा रही है, मैं देख चुका हूँ। और सब लोग आना शुरू हो चुके हैं, सबको टाइम दिया, 2 बजे का, 2 बज चुके हैं, तो सब आना शुरू हो रहे हैं। अब आपको सबसे मिलाता हूँ और फिर हम देते हैं बाइक। डॉक्टर साहब आ गए और फाइनली मुझे वो रिएक्शन मिल रहा है जो मुझे चाहिए था। बताओ डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है? ऑफ रोडर है या एक और चॉइस हार्डले हो सकती है, ऑफ रोडर हो सकती है। अब आप लोग भी गेस कर लो क्या हो सकता है, बहुत जल्दी पता लगेगा क्या है। सर देखिए, भाई प्यार प्यार, और थैंक यू सो मच सबको आने के लिए। काफी लोग चले गए, पर भाई लोग टू दम राइडर, अपना इंस्टा बोल, शेफ पारस गुप्ता, यंग रैक्स। भाई देख लो यार, बस ये प्यार है। बाकी इसमें बहुत सारे आफ्टर मार्केट पार्ट्स लगे हुए, मतलब आगे से शुरू करूं तो पीछे तक बहुत सारा है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो एक इसकी डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे हम। ऑलराइट, सब कुछ बहुत अच्छे से निमट गया, बाइक
इतनी प्यारी लग रही है, जितनी भी बार देख रहा हूँ उतना प्यार हो जा रहा है, नजर हट ही नहीं रही है। बताने के लिए इतना कुछ है जो बाइक में लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं वो सब बताने बैठा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया की सबसे लोडेड एक्स ड्रावेल एस है, और एक्स ड्रावेल एस हमेशा से मेरा सपना रहा है। सोचा नहीं था मैंने कि एक तो बाइक लूंगा एक्स ड्रावेल एस, ये सपना पूरा होगा। एक था कि करूंगा कभी ना कभी, पर होगा कब होगा ये पता नहीं था। और वो भी इतनी अच्छी बाइक मिलेगी कि सबसे लोडेड मिलेगी, सबसे अलग बाइक मिलेगी। मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, एक डिटेल्ड वीडियो डालूंगा कि क्या क्या हुआ है। इतनी टेस्टफुली बाइक बनाई हुई है, जैसा मुझे पसंद है, ऑल ब्लैकआउट करी हुई बाइक है, बहुत सुंदर लग रही थी। आई एम सो हैप्पी, थैंक्स टू गॉड, सब जो प्यार करते हैं यार सब। इतना आज मैं सेंटी भी हो रहा हूँ और खुश भी हो रहा हूँ ना, पर मैं बता नहीं सकता, इतने सारे इमोशंस एक साथ आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी जो भी आए आज मेरे डिलीवरी के लिए, जब मैंने बुलाया तो सबको कल ही बताया और आज सब आ गए, तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग। खन्ना जी थैंक यू, केक वेक लेके आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मम्मी आई से डाया, और डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब आए हमारे, सब आए, सब इतना अच्छा लगा ना। सॉरी मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ, अभी समझ लेना थोड़ा, मैं बस रो ही नहीं रहा हूँ, बाकी सब खुशी के आंसू पूरे, मतलब वही नहीं है, बाकी पूरी खुशी है। अभी आप सब मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप सबको मेरी चॉइस कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं आप किसी ऐसे ही बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, पीस।